हेलो एंड वेलकम टू बिहार बाजार। मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे हाथ में पूडल है एंड आज बिहार बाजार के इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि पूडल अगर आपके पास है और भी किसी ब्रीड के डॉग्स आप अपने घर पर रखते हैं, डॉग्स के शौकीन हैं, तो उनकी ग्रूमिंग आप कहाँ पर करवा सकते हैं, उनका स्पा, उनका हेयर कट, उनके पैरों के नाखून कटवाना, एक एक चीज़, ऑयल मसाज या कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो उसके साथ डील करना, तो आप ये कहाँ पर कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं जो यहाँ जस्ट डॉग्स में। आज हम आए हैं जस्ट डॉग्स में, जो कि पाटलिपुत्र कॉलोनी में है, हाउस नंबर 140। एंड यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि डॉग्स की ग्रूमिंग कैसे की जाती है, क्योंकि पटना में एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर डॉग्स स्पा होता है। तो चलिए अब देर नहीं करते और सीधा चलते हैं, देखते हैं कि पूडल की ग्रूमिंग कैसे होगी और उसका बिफोर एंड आफ्टर भी आपको ठीक से दिखाएंगे। अब देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको दो ब्रीड के डॉग्स की ग्रूमिंग दिखाने वाले हैं। पहले जो ये है टॉय पूडल, जिनका नाम भी इनके ओनर ने पूडल ही रखा है, एंड ये शी राइट हेयर इज मॉल्टीज ब्रीड एंड इनका नाम है लैला। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इनके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो इनका फुल बॉडी चेकअप होगा। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इस पूरा जो मसाज का प्रोसेस है, स्पा का प्रोसेस है, सबसे पहली चीज क्या होगी इनके साथ? तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सटर्नल चेकअप करेंगे, इन विच हम लोग इनका बॉडी एंड स्किन एंड हेयर चेक करेंगे फॉर एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, जो नहीं होना चाहिए। तो एनीथिंग दैट इज अननेचुरल वी चेक दैट, वी इनफॉर्म द डॉग पेरेंट, लाइक इंसेक्ट्स या कोई भी चीज, एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया या नॉट्स हो रखा है, बाल बंद गए हैं या फिर कोई भी प्रकार का चोट लगा हुआ है, घाव हो रखा है, इचिंग हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, जो नहीं होना चाहिए डॉग को। Okay. तो वो सारा चीज चेक करके हम लोग फिर अपने कस्टमर को बताते हैं द डॉग पेरेंट एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड ऑन अ प्रोसेस कि क्या इसको नेक्स्ट करना चाहिए। पाल आप देख रहे हैं ये नॉट्स हो गया है, जट्टा हो गया है, तो इसको हम लोग को खोलना पड़ता है, नहीं तो ये और टैंगल हो जाएगा एंड अगेन इट विल गेट मेस्ड अप, फिर पाल हम लोग को पूरा जीरो करना पड़ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दी हेयर वी नीड टू क्लीन इट अप प्रॉपरली। अब देखिए, हमने देखा कि दोनों को अच्छे तरीके से चेक किया गया है, कुछ कुछ नॉट्स दिखे स्किन में, कहीं रैशेस भी मिले। तो अब ये जो प्रोसेस चल रही है, व्हाट इज दिस? So basically, after we checked her up, we did not find anything suspicious कि और कुछ problem नहीं है इनको। तो हम लोग अब इनका deshedding करेंगे, जो हल्के फुल्के knots है वो निकालेंगे, and dead hairs काफ़ी सारे dogs को हो जाते हैं and split ends भी रहता है, जिसकी वजह से knots और develop होता है, which you know in future develops poor hair quality। So in order to ensure कि इनका बाल अच्छे से रहे, smooth रहे, लंबा हम लोग grow कर पाए, so that we can get different designs, जितने हेयर है इनके बॉडी पे उन्हें प्रॉपरली इनके पूरे फर को कोम किया जा रहा है, ताकि कोई नॉट्स नहीं रह जाए, कोई गांठे नहीं पड़े, नहीं तो ये इरिटेट हो सकते हैं, उसके इरिटेट भी हो सकते हैं, साथ में स्किन कंडीशंस भी खराब हो जाते हैं, बिकॉज डॉग्स के स्किन ऐसे होते हैं, दे डू नॉट ब्रीद एयर इन द वे आर ह्यूमंस डू। सो इनके बॉडी पे क्या होता है, देयर इज डस्ट, तो वो सेटल डाउन होता है, विच इन ऑर्डर इन फ्यूचर खराब कर देता है स्किन के कंडीशंस। तो अगर वो नॉट्स हो रहा है तो एयर कनेक्टिविटी जो बेसिक हल्का सा भी है वो भी खत्म हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो नॉट्स हटाया जाए। सो जैसे हम लोग ये स्प्रे यूज करते हैं सो दैट इजीली थोड़ा नॉट्स वॉट्स है तो निकल जाए। ओके, तो एक स्प्रे स्पेशल है इन लोगों के लिए कि अगर कोई टैंगल्स है इनके बालों में तो वो आराम से निकाली जा सके। एंड ये पेनलेस होता है या फिर इन्हें कुछ पेन फील होता है इसके दौरान? सी, अगर नॉट्स बहुत ज्यादा है तो इट इज वेरी पेनफुल फॉर देम, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बट जो कि ये मेरे पास एकदम दोनों रेगुलर आते हैं तो इनको कोई नॉट्स वैसा बहुत मेजर नहीं है, तो वो पेनलेस ही रहता है। तो नॉट्स ज्यादा किस कंडीशन में हो सकती है, ऐसे लोग जो अपने डॉग्स की ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देते? एग्जैक्टली, तो व्हेन यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर डॉग, कि आप अब जैसे लॉन्ग कोट डॉग है, तो कोई भी डॉग है लॉन्ग कोट है, तो उसको बेसिक डीशेडिंग तो डेली रिक्वायर्ड होता ही है, कि डीशेडिंग करे या फिर ब्रशिंग करे, तो वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट होता है, इफ यू आर नॉट डूइंग इट तो ये प्रॉब्लम्स आता है। तो अब हम लोग लैला को यहाँ पर नहला रहे हैं, राइट? तो ये प्रोसेस जो है वो कैसे होती है एंड इसमें हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है, पेट्स के भी और आप लोगों की तरफ से भी? सो बेसिकली अब हम लोग इसमें अरोमा ग्रूम शैम्पू यूज करेंगे, नॉर्मल शैम्पू जो कि होता है, इट्स अ गुड प्रीमियम शैम्पू, जिसके बाद हम लोग इसको कंडीशनिंग करेंगे।
साथ में हम लोग जितने भी, अब जैसे वी आर गोइंग टू यूज़ ग्लव्स ऑन लैला, जो कि हम लोग इससे उसको शैम्पू लगाने के बाद ब्रश करते हैं, तो दैट ग्लव्स इज क्लीन्ड आफ्टर ईच एंड एवरी यूजेज. कोई भी डॉग यूज़ होता है उसके बाद हम लोग उसको क्लीन करते हैं. एंड बाकी जितने भी यूटेंसिल्स हैं, एवरी थिंग इट इज़ क्लीन आफ्टर एवरी सिंगल यूज़, सो दैट इट्स रेडी जस्ट फॉर द नेक्स्ट डॉग एज वेल. सो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या हर डॉग के लिए सेम शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है या अलग अलग जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आप कभी कभी मेडिकेशन बाथ्स भी देते हैं तो उसमें अलग तरीके के शैम्पू यूज़ होते हैं या एक ही शैम्पू हर डॉग ब्रीड के लिए काम करता है? नहीं, एक्चुअली शैम्पूज डिफर फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द डॉग, उसके बाल के कंडीशन के हिसाब से. जैसे अभी हमने जो चूज़ किया है, दिस इज़ अरोमा ग्रूम लॉन्ग कोट शैम्पू, जो कि लॉन्ग कोट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है एंड वाइटनिंग भी करता है. तो इसका जो टेक्सचर है, अब ये वाइट जो है ये और ज़्यादा ब्राइट होएगा एंड इसका कोट और ज़्यादा सॉफ्ट होएगा विद द कंडीशनर दैट वी वुड बी यूजिंग अकॉर्डिंगली अगेन. एंड जो मेडिकेटेड केसेस होते हैं, तो एज पर द प्रॉब्लम ऑफ द डॉग हम लोग केस में शैम्पू यूज़ करते हैं. तो नाउ वी विल बी आफ्टर यूजिंग दिस अरोमा ग्रूम शैम्पू, नाउ वी विल बी यूजिंग द कंडीशनर ऑन लैला. So that the hair becomes better, softer and more fluffier. Okay. तो लैला की ब्रीड के हिसाब से उसका जो शैम्पू और कंडीशनर है वो काफ़ी स्पेसिफिक है ताकि उसके हेयर को कॉम्प्लीमेंट करे और ज़्यादा फ्लफी शाइनी बनाए, राइट? एग्जैक्टली. एंड जैसे उसका जो कोट है दैट इज़ वाइट इन कलर, सो अब इसमें कलर एनहेंसिंग शैम्पूज़ भी आते हैं जो कि वाइट कलर को और प्रोमिनेंट करता है और बेटर करता है. तो इससे क्या होता है कि वेन यू आर यूजिंग अ गुड शैम्पू, तो डॉग्स का हेयर एंड स्किन कंडीशन भी लंबे समय तक अच्छा रहता है, प्लस अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, उनका बॉडी इच भी कम करता है और बदबू भी कम आती है बॉडी से, जो बैड ओडोर आता है. सो दे स्टे फॉर गुड डेज, कपल ऑफ डेज. लैला की अब शैम्पू और कंडीशनिंग दोनों ही चीज़ें हो गई हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नाउ वील स्टार्ट विद द ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग पहले इसको ये एब्जॉर्प्शन टॉवल से ड्राई करेंगे. अब ये एब्जॉर्प्शन टॉवल बेसिकली इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल टॉवल, ये ना ही आपके डॉग को 100 टाइम्स बेटर ड्राई करता है, बट ये साथ में उसका एक्स्ट्रा जो डेड हेयर है वो भी निकाल देता है एंड बाल टूटने भी नहीं देता है. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्किन एंड हेयर. तो डॉग को ये अगर आप प्रॉपरली सिर्फ टॉवल से ही ड्राई कर रहे हैं तो 70-80% आप नॉर्मली आराम से ड्राई कर सकते हैं. बाकी 10-20% रहता है कि ओके यू कैन ड्राई, यूज़ अ नॉर्मल ड्रायर एट होम. इफ़ यू आर डूइंग इट, पेट ड्रायर यूज़ करिए सबसे बढ़िया. अदरवाइज आप नॉर्मल ड्रायर से भी कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल एब्जॉर्प्शन टॉवल. बट नॉर्मल टॉवल में क्या रहता है कि वो एक बार में मैक्सिमम 5-10 लीटर पानी गार पाता है. इसका देर इज़ नो लिमिट. यू वांट 500 डॉग्स विथ वन सिंगल टॉवल, यू कैन ड्राई देम अप. बट वो नॉर्मल टॉवल में हम लोग नहीं कर सकते. एक नॉर्मल डॉग को सुखाने के लिए कम से कम 2 टॉवल लगता है. तो दिस इज़ मोर एफिशिएंट एंड इसका लाइफ भी बहुत रहता है. मतलब ये एक टॉवल आपको इट विल गो ऑन फॉर एटलीस्ट 5-6 ईयर्स, कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पे आप हर डॉग के लिए एक सेपरेट टॉवल यूज़ करते हैं, राइट? Not for every single dog we do not use a single towel because this towel alone is for 500 rupees. तो कुछ customers होते हैं जो अपने towels खुद provide करते हैं और जो नहीं करते हैं, जैसे हमारे पास packages भी होते हैं यहाँ पे, तो जो dogs packages में रहते हैं जैसे लैला और पुडल packages में हैं तो इनका towel separate रहता है. But if there is a dog that is coming, मतलब जब मन चाहे कभी भी आ रहा है या पे एज यू गो पे रह रहा है, तो फॉर देम वी यूज सैनिटाइज टॉवल्स. वी कीप टॉवल्स, एक ही टॉवल रखते, मतलब एज इन वीव गॉट नंबर ऑफ टॉवल्स बट इट इज ऑल सैनिटाइज एंड देन यूज्ड विद द नेक्स्ट डॉग. अब ये प्रोसेस क्या हो रही है? सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज ओरल हाइजीन. ओरल हाइजीन दो तरीके से किया जाता है. एक, हम लोग ब्रश इनको डायरेक्टली मुंह में करवाते हैं क्योंकि इनके मुंह में प्लेक जमा हो जाता है. अब एज वी नो कि हम लोग जो खाते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे माउथ से जा रहा है, तो आर माउथ शुड बी क्लीन बिकॉज दैट इज़ द ओपनिंग. और डॉग्स हमको आज के डेट में फैमिली हो गए हैं तो वो किस भी करते हैं, तो इफ़ दे आर नॉट हाइजीनिक तो हम लोग का हाइजीन कैसे मेंटेन होएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग ओरल हाइजीन करें. अब इसका भी 2-3 प्रोसेस होता है. जैसे एक ये हो गया, हम लोग इसको ब्रश करवा रहे हैं, तो जो डॉग्स अलाउ करते हैं ब्रश करना हम लोग ब्रश करते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ डॉग्स को स्प्रे यूज़ करते हैं जो कि प्लेक स्प्रे होता है ताकि उनका ओरल हाइजीन मेंटेन रहे, स्मेल भी नहीं आए एंड पीलापन नहीं आए और अच्छे से ब्रश करें जस्ट लाइक वी डू. लैला ड्राई भी हो चुकी है, तो अब आगे फर्दर प्रोसेस क्या है? अब मैम लैला का हम लोग को कोई मेजर हेयर कट नहीं करना है, सिर्फ बाल हम लोग को अच्छे से बैलेंस करना है. सो अब हमने क्या किया है कि हमने इसको फाइनल कोम्बिंग कर रहे हैं, हम लोग इसको कोम्बिंग किया है हमने. एंड अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ईयर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एक लिक्विड होता है जो हमने इसके कान में डाला है,
उसके बाद वो लिक्विड से जितना भी वैक्स होता है वो बाहर निकलता है, एंड विद अ कॉटन एंड और अ क्लीन वाइप वी जनरली क्लीन इट दी ईयर्स. अब ईयर क्लीन करने के बाद फिर हम लोग इसका आई क्लीनिंग करेंगे, बाल जो हल्का फुल्का मिलाना है ट्रिमिंग करेंगे, अंडर पॉज हेयर कट करेंगे ताकि इसको ग्रिप बेटर मिले, पेट हाइजीन एरियाज का हेयर कट हल्का फुल्का जो काटना है वो सब करेंगे, एंड ओरल केयर करेंगे विच इज़ इन फिनिशिंग. इसका ओरल केयर हम लोग प्लेक स्प्रे यूज़ करके करेंगे. ओके, तो अभी ये अंडर पॉज जो हेयर है उसे हटा रहे हैं. एग्जैक्टली. तो ये ट्रिमर जो आप लोग यूज़ करते हैं, इज इट स्पेसिफिक, क्या इसमें स्पेशलिटी होती है? यस मैम, ये ट्रिमर्स जो होते हैं दिस इज़ अनलाइक दी नॉर्मल ट्रिमर्स जो आप रेगुलर सैलॉन्स में या हम लोग डे टू डे अप्लाइंसेज में देखते हैं. ये प्रोफेशनल क्लिपर्स होते हैं, एंड ये एक ट्रिमर जो आप देख रहे हैं जो अभी ये यूज़ कर रहे हैं ग्रूमर, ये एक ट्रिमर अराउंड 70,000 रुपीज़ का आता है, यानी 70,000 रुपये का आता है. इसका एक एक ब्लेड आता है 6,000 से लेकर 10,000 तक का ब्लेड्स आता है इसका. तो ये बहुत स्पेसिफिक, इसमें ग्रूमिंग स्टाइल्स में आपको इक्विपमेंट्स भी लगते हैं. इनफैक्ट आप जो कोम्स, एनी इक्विपमेंट्स दैट वी आर यूजिंग हियर, कोई भी इक्विपमेंट सस्ता नहीं है. मतलब सीजर्स तो ऐसे ऐसे हैं कि 20,000 के एक एक सीजर्स हैं यहाँ पे ग्रूमिंग के लिए. सो डॉग ग्रूमिंग इज़ नॉट सो ईजी ऑल टुगेदर एंड नॉट सो चीप नाउडेज, इट इज़ प्रेटी एक्सपेंसिव. सो अब जैसा कि हम देख सकते हैं, अब हम लोग इसका नेल ग्राइंडिंग कर रहे हैं. सो इसका नेल ज़्यादा बड़ा नहीं था तो इसलिए अब हम लोग इसको ग्राइंडिंग यूज़ कर रहे हैं. सो अब जो हम लोग कर रहे हैं इसका, ये ओरल केयर हो गया. तो जो कि लैला थोड़ी छोटी है, इसके दांत थोड़े छोटे छोटे हैं, तो हम लोग इसको ब्रश नहीं करवा के इसको ओरल केयर कर रहे हैं. सेम चीज़ हम लोग स्प्रेज यूज़ करते हैं उन डॉग्स के लिए जो एग्रेसिव होते हैं, तो उनको ब्रश नहीं करके हम लोग ओरल स्प्रे यूज़ करते हैं फॉर बेटर डेंटल हाइजीन. ओके, सो नाउ लैला इज़ रेडी. नाउ वी आर ऑल गोइंग टू डू इज परफ्यूम लगा के, एंड शी इज़ गुड टू गो टू हर पेरेंट्स नाउ. सी यू लैला. तो लैला की तो आपने पूरी ग्रूमिंग देखी. पूडल थोड़े हाई मेंटेनेंस है तो वह अभी भी रेडी हो रहे हैं, बट लैला को आप देख सकते हैं, शी इज़ लुकिंग सो क्लीन. इनका फर बहुत ज़्यादा शाइनी हो गया है एंड और ज़्यादा लैला वाइट हो गई है. तो चलिए आपको हमने एक ऐसी जगह बता दी है जहाँ पर आप अपने डॉग्स की ग्रूमिंग करवा सकते हैं. बेस्ट सर्विसेज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. तो आपको कहाँ आना है? आपको आना है जस्ट डॉग्स, जो कि पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, हाउस नंबर 140. आप बिहार बाजार के साथ बने रहें. अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी ही कोई और बेहतरीन जगह आप ढूंढ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसकी भी एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे. धन्यवाद.